हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 23 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, तो इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु वॉन वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट 2019 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑनर, तो किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन 2-day विजिट टू विच कंट्री, तो कौन सी देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं हमारे अपने प्रधानमंत्री जी, तो ये गए हैं वो जी साउथ कोरिया। ओके, करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। एंड साउथ कोरिया के बारे में जो चीज़ें याद रख लो, कैपिटल आपको याद रखनी है सियोल, एंड करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मून जे इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच इंडियन स्टेट कालिया चतरा ब्रूटी स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च, ठीक है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स के चिल्ड्रन हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई, ये हुई जी उड़ीसा में। ओके, एंड इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखो, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन। ओके, एंड अबाउट उड़ीसा, जो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक एंड गवर्नर गणेशी लाल। ओके, एंड देखो यार, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप पहले स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड कर रहे हो, अब आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। देखो यार, रीज़न मैं कल भी आपके साथ शेयर किया था, जो इंटरनेट सर्विसेज की जो प्रॉब्लम चल रही है राइट नाउ, एंड कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जितने हमारे आज के क्वेश्चन है। ओके, इन विच कंट्री फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगिंस, तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ, एक मंथ का ये फेस्टिवल होगा, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में हुआ ये शुरू हुआ, ये हुआ जी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट एवर डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्शन, ठीक है, जो डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट की गई फर्स्ट लोकोमोटिव से हमारे प्रधानमंत्री ने इसे फ्लैग ऑफ किया था हाल ही में। तो ये कहाँ से किया, ये किया जी यूपी की, यूपी में वाराणसी में, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड एक और अभी आपको याद होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारे, वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 फरवरी को उद्घाटन किया था उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो भी आप जरूर याद रखना, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम पहले ट्रेन 18 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कन्फर्ड, ठीक है, कन्फर्ड विद सियोल पीस प्राइज, ठीक है। पहले 2018 में ये घोषणा कर दी गई थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारे मोदी जी गए हुए हैं साउथ कोरिया, तो अब ये वहाँ ये सम्मान को, इस प्राइज को एक्सेप्ट भी करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी मोदी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 73rd नेशन टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने का वाला 73rd नेशन बन गया है, कौन सा नेशन है जी, यह है जी सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि सोलर एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एरो इंडिया 2019 इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 20 फरवरी, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था एरो इंडिया 2019 का, तो ये हुआ था जी बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज अटुकल पोंगाला फेस्टिवल बिगेन ऑन 20 फरवरी 2019, तो इस फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ था 20 फरवरी को, एंड काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है, एंड इसमें ओनली वुमेन्स ही पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी जगह का फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, यह जी केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो इस जो थीम था 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज, तो थीम क्या रखा गया था इस बार ये आपको बताना, तो करेक्ट आंसर इज इंडिजीनियस लैंग्वेज एज ए फैक्टर इन डेवलपमेंट पीस एंड रिकंसिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली राजकुमार बरजत्या, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये आप बताना कि कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये प्रोड्यूसर थे, ठीक है। तो ये थे जी फिल्म इंडस्ट्री से इनका नाता, फिल्म इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी फिल्म लाइक हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायो, जो सलमान खान की मूवी है, उन ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ में भी इन्होंने अपना इन्होंने काम किया हुआ, ठीक है। तो राजकुमार बरजत्या, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये आप याद रखिए।
ओके देन 11th क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज इंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट ऑफिसर. ठीक है, एक रोबोट ऑफिसर जो पुलिस की हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये स्टेट भी बताना है एंड अब नाम भी बताना है, इस रोबोट का नाम क्या होगा. नाम होगा जी केपी बूट. ठीक है, कौन सी स्टेट पुलिस ने इसे इंडक्ट किया, ये किया जी केरला ने. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. एंड उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस हैं, देखो इसको एसआई की पोस्ट दी गई एंड इसका जेंडर फीमेल जो सेलेक्ट किया गया कि ये फीमेल ऑफिसर होगी. ठीक है, फीमेल एसआई होगी. इसको फीमेल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से, मतलब इसको फीमेल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई. ओके, एंड बाकी ऑप्शंस रखें उस्ताद, ये भी अभी रेलवे ने लॉन्च किया था. ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, अंडर गियर सर्विलेंस अंडर थ्रू आर्टिफिशियल असिस्टेड ड्रॉइड, ये भी जरूर याद रखना. एंड बैंडिकॉट अभी हाल ही में बताया था. ठीक है, जो मैनुअल सफाई वगैरह होती है उससे ओवरकम करने के लिए बैंडिकॉट, ये भी लॉन्च किया गया था. देन उसके बाद रोडियो, रोडियो भी चेन्नई ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया था, जो ट्रैफिक वायोलेशंस होती हैं उससे थोड़ा सा बचा जाए. ठीक है, मतलब उससे थोड़ा निगरानी रखा जाए थ्रू दिस रोडियो रोबोट. तो वो चेन्नई में हुआ था, वो भी आप जरूर याद रखना. एंड केपी बूट इसका नाम है, केरल पुलिस ने इंडक्ट किया. ओके, देन 12th क्वेश्चन इज द वर्ड्स इन ग्रीन वर्ड्स इन गार्डन फेस्टिवल. ठीक है, ये फेस्टिवल ऑन गार्डन फिलोसफी, उनके आइडियाज़, उनकी फिलोसफी के फिलोसफी, तो ये कहाँ पे होगा ये आपको बताना है. ठीक है, 22 फरवरी से यानी कि कल से शुरू हुआ, 3 दिवसीय होगा ये. ठीक है, थीम भी रखा गया जी बापू की दिल्ली. ठीक है, आप समझ के होंगे कहाँ पे होगा, ये होगा जी न्यू दिल्ली में. ओके, देखो ये हो गए जी हमारे क्वेश्चंस. अब जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था, देखो यार कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं, एंड उस पर मैंने सोचा कि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे. अराउंड हर वीडियो में आपको 20 to 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सारे सारे कोई भी चांसेस ना बने कि कोई भी क्वेश्चन हमारा रह पाए. एंड यू नो मैं आज से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्वेश्चंस ऐड ऑन करने वाला हूँ, एंड 20 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर चुका था. बट स्टिल आप देख रहे होंगे कि आज 12 ही है. एक्चुअली इंटरनेट सर्विसेज इतनी प्रॉब्लम है, मैं वाईफाई जोन में था तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बना दी थी, देन उसको मैंने जब अपने जीमेल पे सेंड किया एंड यहाँ पे अपने घर पे आके जब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मतलब इंटरनेट सर्विसेज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आई वाज नॉट एबल टू ओपन द जीमेल ऑन माय लैपटॉप. ठीक है, तो इस तरह से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है राइट नाउ. एंड यू नो जब आप 4G से अब आपको 2G चलाना पड़ता है, तो आप सबको तो पता ही होगा कि कैसा एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, तो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे. तो होप सो जल्दी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं राइट नाउ. बट स्टिल डोंट नो कि क्या हो क्या रहा है स्टेट में, अभी फिलहाल क्यों नहीं ओपन कर रहे. लेट्स होप कि जल्द से जल्दी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं. तो देन उसके बाद विद हम इसके बाद हम जो हमारा स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, वो जो हम डेली इंक्लूड करते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो भी स्टार्ट करेंगे फिर से. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी रह नहीं पाए. वैसे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वैसे भी तो देखा जाए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है एंड क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है. कुछ करंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में डिफरेंस भी होता है, तो वो मैं चीज़ ध्यान रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ सारे, ताकि कोई भी चांस स्टिल हम सारे क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, करंट न्यूज़ के लिए भी लिया करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ साथ मिलती रहे आपको. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो. लाइक करने के साथ इसे अगर आपको लगता है कि आप हेल्प हो रही है, श्योरली यू हैव टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स रिलेटेड टू स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे.